दोस्तों PSL का 10वां एडिशन क्या होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। और अगर होगा भी तो कब से शुरू होगा और कब जाकर खत्म होगा। भाई हमारे इफ्तिखार चाचू ने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे चाचू नहीं, मुझे किया लड़का कहकर बुलाया करो। भाई टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि दुश्मन भी तारीफ करने पर उकसा जाए। जी हाँ भाई, इरफान पठान ने पामारी पाकिस्तान टीम की इतनी तारीफ की कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। भाई आयरलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर लिया और पाकिस्तान कब जाएगी और हमारे हेड कोच गैरी क्रिस्टन कब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। तो यार आज की वीडियो में बात करते थे, यार वीडियो शुरू होने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई PSL के 9 सीजन हो चुके हैं लेकिन 10वां सीजन बहुत खतरनाक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ भाई, बहुत से सवाल जो है वो मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा, क्या PSL का 10वां एडिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि PSL का 10वां एडिशन 2025 में है और भाई 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान में। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ICC का। तो इस हवाले से मैं उस सभी को ये कह दूं कि भाई PSL का 10वां एडिशन होगा। भाई होगा, लाजमी होगा यार, PSL नहीं होगा तो फिर क्या होगा। भाई उस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास आ चुकी है, कब PSL शुरू होगा। तो भाई मैं अभी आपको बता देता हूँ, भाई PSL का 10वां एडिशन हमें देखने को मिलेगा 8 अप्रैल से। और भाई 8 अप्रैल से लेकर 20 मई तक जो है वो भाई PSL का 10वां एडिशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि PSL हमें देखने को मिलेगा IPL के साथ, यानी कि IPL और PSL हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान टीम को शॉर्ट टाइम मिला है, पाकिस्तान सुपर लीग हमने बहुत जल्द करवानी है 2025 में, क्योंकि उसके बाद जो है वो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी भी है। यही वजह बनी कि PSL का 10वां एडिशन और IPL जो है वो एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें बहुत सबसे ज्यादा फायदा है हमारे PSL का, क्योंकि खिलाड़ी ये देखना चाहेंगे कि यार पाकिस्तान की कंडीशंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमें फॉरेन खिलाड़ी इस मरतबा देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा फायदा ही पाकिस्तान सुपर लीग को होगा और पाकिस्तान को होगा, क्योंकि एक तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। हम सभी को पता है कि PSL जो है वो एक शॉर्ट फॉर्मेट लीग है, यानी कि कम मैचेज होते हैं, 30 मैचेज होते हैं, जहां पर अगर IPL की बात करें तो भाई 60 मैचेज होते हैं। तो यही वजह है कि खिलाड़ी कम मैचेज को देखेंगे और PSL को ज्वाइन करेंगे। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ PSL के 10वें एडिशन के लिए कि कौन कौन सा खिलाड़ी आएगा और कौन कौन सा खिलाड़ी नहीं आएगा। और आप ये डेट याद रख लो, 8 अप्रैल से PSL का 10वां एडिशन शुरू होगा और 20 मई तक जो है वो हमें फाइनल देखने को मिलेगा। भाई हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद जो है वो आग मगोला हो गए। भाई उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई मैं आप लोगों को क्या चाचू दिखता हूँ, मैं तो एक यंग खिलाड़ी हूँ, मुझे यंग प्लेयर के नाम से बुलाया करो, भाई मुझे चाचू के नाम से बस बुलाया करो। भाई अब तो चाचू इफ्तिखार अहमद को अगर हम चाचू नहीं बुलाएंगे तो फिर किसको बुलाएंगे यार। आपकी माशाल्लाह उम्र देखो, लेकिन आप जो छक्के लगाते हो ना, यकीन करो, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि भाई मेरे छक्के देखो, क्या चाचू छक्के ऐसे मार सकता है। भाई यंग खिलाड़ी ही मेलबर्न के मैदान में चार चार छक्के मारेगा ना इंडिया के खिलाफ, तो भाई मुझे यंग खिलाड़ी के नाम से बुलाया करो, मुझे चाचू के नामों से ना बुलाया करो। और एक मरतबा तो यार हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद आग मगोला भी हो गए। जब भाई स्टेडियम में फील्डिंग कर रहे थे, बाउंड्री लाइन पर एक इफ्तिखार अहमद के फैन ने कहा, चाचू चाचू बात सुनो, तो वहां पर हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद कहने लगे, खामोश हो जाओ, क्या चाचू चाचू लगा कर रखा हुआ है, मैं तुम्हें क्या चाचू दिखता हूँ, खामोश हो जाओ। भाई उसके बाद हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस भी नहीं आई। भाई हमें तो वही चाचू इफ्तिखार अहमद ही पसंद है, भाई चाचू के नाम से आप मशहूर हुए हो, आपको फेम मिली है और आप जो है वो आप उकसा रहे हो कि भाई मुझे चाचू के नाम से मत बुलाया करो। यार इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इफ्तिखार अहमद को चाचू के नाम से बुलाना चाहिए या फिर यंग प्लेयर के नाम से बुलाना चाहिए। भाई टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि भाई दुश्मन भी तारीफें करने पर उकसा जाए। जी हाँ भाई, इरफान पठान ने पाकिस्तान हमारी टीम की इतनी तारीफ की क्या आप हैरान रह जाओगे। भाई उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की टीम इस मरतबा वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, सॉलिड टीम का लकब दे दिया हमारी पाकिस्तान टीम को। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास फखर जमान, आजम खान जैसे तगड़े तगड़े बैट्समैन मिडल ऑर्डर में, और साथ ही साथ अब तो आमिर भी आ चुकी है, और नसीम शाह की बॉलिंग तबाहकुन बॉलिंग रहेगी पाकिस्तान टीम के जानिब। और फखर जमान की उन्होंने खूब तारीफें की, कहा फखर जमान और आजम खान जैसा मिडल ऑर्डर में बैट्समैन हो तो पाकिस्तान टीम को और क्या चाहिए। भाई वो प्रोवाइड करते हैं पावर हिटिंग को, वो रन्स क्रिएट करते हैं, वो अपनी टीम को मैच फिनिश करके देंगे। तो भाई इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान की टीम एक सॉलिड टीम है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे लिहाज से। भाई ये कौन कह रहा है,
ये वो इरफान पठान कह रहा है जो कि पाकिस्तान टीम के हारने के बाद बकरे डाल रहा था, और भाई उसके बाद हमने इसकी इतनी लेने देने में कर दी थी क्योंकि ये संडे वाले दिन हमेशा ही हारते थे भाई। संडे वाले दिन इन्होंने फाइनल भी हारा भाई, संडे वाले दिन इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी हारी भाई, संडे वाले दिन इन्होंने क्या क्या नहीं हारा भाई, तो बात कर दिया था भाई जबरदस्त भाई। इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इरफान पठान का ये कमेंट करना पाकिस्तान टीम के लिए क्या ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ मामला ही कुछ और है। खैर यार, आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए हमारी टीम ने खूब तैयारियां शुरू कर लिया, जिसमें हमारे बाबर आजम देखने को मिले, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अब्रार अहमद से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो हमें प्रैक्टिस करने देखने को मिले भाई। अब जो है वो पाकिस्तान टीम ने दौरा करना है आयरलैंड के लिए, उसके साथ साथ आयरलैंड का और उधर जो है वो T20 सीरीज के लिए, उसके बाद फिर इंग्लैंड का दौरा करना है, और इंग्लैंड में भी पाकिस्तान टीम ने 4 T20 मैचेस खेलने, 3 आयरलैंड में और 4 इंग्लैंड में। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने दौरा करना है न्यूयॉर्क का, अमेरिका का, जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। तो इस हवाले से पाकिस्तान टीम जो है वो खूब तैयारियां कर रही है, बाबर आजम भी जबरदस्त तैयारियां करवा रहे हैं अपनी टीम को, मोहम्मद रिजवान को छक्के की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उस्मान खान ने भी जबरदस्त प्रैक्टिस की। लेकिन यार एक सवाल मन में ये आता है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन कब जो है वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे भाई। आयरलैंड की सीरीज में हमें देखने को नहीं मिलेगी गैरी क्रिस्टन, आयरलैंड की सीरीज में पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे वो है अजहर महमूद, और उसके बाद इंग्लैंड के 4th मैच में हमें देखने को मिलेंगे गैरी क्रिस्टन, यानी कि इंग्लैंड की सीरीज में जो है वो गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। यार इस हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आयरलैंड की सीरीज में पाकिस्तान टीम का सबसे ज्यादा मेन प्लेयर कौन बनने जा रहा है, और कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, और कौन सबसे ज्यादा रन करेगा। खैर यार, मुझे उम्मीद है कि यार आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो यार अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप भाई मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के वाले से बात करेंगे। और भाई वर्ल्ड कप से पहले मैंने कहा था 10,000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, यकीन करो मुझे 102 बुखार है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन खैर यार, ये तो मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो भाई आप लोगों का मेरा वादा पूरा करो भाई, सब्सक्राइबर मुझे चाहिए भाई, यकीन करो 102 बुखार में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी हिम्मत की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे आप लोगों का चाहिए, और मुझे यकीन है कि यार आप लोग सपोर्ट करोगे। तो यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई कौन करेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो, और भाई मैं अब जा रहा हूँ दवाई खाने। ओके, अल्लाह हाफिज़।